My name is Lakshita Singh. I'm from Rewari. I have done my post-graduation from MDU University, Rohtak. I have been teaching since 2019. I have also taught as assistant professor zoology in KLP College, Rewari. So today I'll be discussing with you the human heart. So सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि human heart की location क्या होती है body के अंदर. Human heart जो होता है वो आपके दोनों lungs के बीच में, this upper thoracic cavity के अंदर, दोनों लंग्स के बीच, राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? थोरसिक कैविटी के अंदर, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सेकेंड सर्कुलेशन, और थर्ड उस पूरे सिस्टम को लर्न करने के लिए एक दो ट्रिक्स. ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड. राइट साइड के अंदर राइट एट्रिया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया. राइट में फिर नीचे की तरफ होगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. ट्राइकस्पिड वॉल. वहीं लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे बाइकस्पिड, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल. ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं. दीज आर दी ऑन दी राइट, ऑन दी लेफ्ट साइड दीज आर दी पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स. अच्छा फिर लेफ्ट साइड के अंदर ही दिस इज द एओर्टा, एओर्टा. राइट साइड के अंदर राइट वेंट्रिकल से जो निकलती है दैट इज पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लेबलिंग ऑफ द हार्ट. अब हम इस लेबलिंग के थ्रू ही ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं. वीना कावा का क्या फंक्शन होगा? पूरी बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लाना. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज दैट ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ऑक्सीजन से ज्यादा होता है. डीऑक्सीजनेटेड नाम क्या बता रहा है? ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड. कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है. अब वीना कावा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके राइट एट्रिया के अंदर डंप करेगी. ठीक है, राइट एट्रिया से फिर ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर. अब जैसे ही ये ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो दीज वॉल्स, राइट साइड में कौन सा वॉल था? ट्राइकस्पिड वॉल. ट्राइकस्पिड वॉल इस प्रेशर की वजह से ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब इस यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी, पैपिलरी मसल्स. और इन मसल से अटैच होता है हमारे पास कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने. ठीक है, अच्छा अभी पैपिलरी मसल्स का काम क्या होगा? पैपिलरी मसल्स का काम होता है जो वॉल खुला है, जो वॉल खुला है वो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे से दिस राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल कहीं ऊपर ना चला जाए और ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करेगा. पैपिलरी मसल से अटैच होते हैं कॉर्डे टेंडिने. ये कॉर्डे टेंडिने ऊपर इन वॉल्स को पकड़ के रखते हैं.
ठीक है, जैसे आपने एक अम्ब्रेला देखा होगा, अम्ब्रेला के नीचे एक स्टिक होता है और उस स्टिक से अटैच्ड काफी सारे स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि अपर कवर को पकड़ के रखते हैं. सो दैट अपर कवर इन द अम्ब्रेला इज द वॉल और वो स्ट्रिंग है कॉर्डेट टेंडिने, ठीक है, और नीचे जो आपका जो स्टिक है दैट इज द पैपुलरी मसल. ठीक, पैपुलरी मसल क्या कर रही है, पकड़ के रख रही है. ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. ब्लड यहां से, ये वॉल्स बंद हो गए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फिर वॉल्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्स. ठीक है, और वही एओर्टा के अंदर भी प्रेजेंट है. बोथ वॉल्स आर नोन एज सेमी लूनर वॉल्स, सेमी लूनर वॉल्स. सेमी लूनर वॉल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज मून शेप, क्रीसेंट मून शेप, सी लाइक. ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सेमी लूनर वॉल. अब जब राइट वेंट्रिकल यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फिर जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के अंदर. ठीक है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा, देन दीज पल्मोनरी वेन्स विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है. लंग्स का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजनेटेड हो गया. पल्मोनरी वेन्स लंग से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी वापस लेफ्ट एट्रिया के अंदर. लेफ्ट एट्रिया के अंदर जब ब्लड आ गया है तो वापस से यही मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, दिस विल ओपन ड्यू टू द प्रेशर. ब्लड विल मूव इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शन होगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर. जैसे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में एंटर करेगा तो सेमी लूनर वॉल्व विल ओपन. ओपन हुआ ये वॉल्व, ब्लड गया यहां से. एओर्टा का फंक्शन क्या होगा, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड उठा के पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी. ठीक है, क्लियर है. अब मेन बात यहां पे क्या आती है कि ये जो चार वॉल्व प्रेजेंट है, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और दो सेमी लूनर वॉल्व, इनका फंक्शन क्या होता है, वॉल्व हार्ट के अंदर प्रेजेंट क्यों है. वॉल्व आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कि ब्लड जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है प्रेशर की वजह से वापस अपोजिट डायरेक्शन में ना मूव हो जाए, इसलिए ये सेमी लूनर वॉल्व और ये बाकी दो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर. ठीक है, टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड. ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्कुलेशन ऑफ, दिस इज द लंग्स. ठीक है, दिस इज बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू. ठीक है, एंड दिस इज द हार्ट. क्लियर, अब हार्ट के अंदर हमने कितने चेंबर्स पढ़े, चार चेंबर्स पढ़े. चार चेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट एट्रिया के अंदर ब्लड कहां से आ रहा है, बॉडी टिश्यू से, थ्रू वीना कावा, वीना कावा. ठीक है, राइट एट्रिया के अंदर आ गया ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, फिर कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया. राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जा रहा है ब्लड, लंग्स के अंदर, किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए. यहां से कैसा ब्लड आया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, यहां पे लंग्स के अंदर हो गया ऑक्सीजनेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई. ठीक है, अब लंग्स से कहां आएगा, लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया के अंदर. ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसकी हेल्प से आएगा, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से आ गया, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से लेफ्ट एट्रिया के अंदर. लेफ्ट एट्रिया से फिर ब्लड विल मूव इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ
बाइकस्पेड वॉल्व, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी टिश्यू के अंदर कैसे सर्कुलेट होगा, विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, है ना। सो दिस, अब यहां पे कितनी साइकल्स बनी? दो साइकल्स बनी। लंग्स की तरफ की जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बॉडी की तरफ की जो भी सर्कुलेशन है दैट इज नोन एज सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। कितनी सर्कुलेशन हुई? डबल सर्कुलेशन। कौन कौन सी? पल्मोनरी लंग्स की तरफ, सेकेंड सिस्टमिक बॉडी की तरफ। बॉडी से कलेक्ट हुआ, डंप हुआ राइट एट्रिया के अंदर, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हुआ, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ने पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया। क्लियर है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स को कैसे समझ सकते हैं? इजी वे टू लर्न होता है अगर हम इन सारे चेंबर्स को और वॉल्स को अपने ही हैंड के ऊपर रिप्रेजेंट करें। सपोज थंब को हम मान लेते हैं राइट एट्रिया, इंडेक्स फिंगर को मान लेते हैं राइट वेंट्रिकल, मिडल फिंगर को मान लेते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहां जा रही है? टुवर्ड्स द लंग्स। रिंग फिंगर को हम मान लेते हैं लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया हो गया। पिंकी फिंगर को मान लेते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, क्लियर। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, थंब इज राइट एट्रियम, इंडेक्स फिंगर इज राइट वेंट्रिकल, मिडल इज पल्मोनरी आर्टरी, रिंग फिंगर इज लेफ्ट एट्रिया एंड पिंकी फिंगर इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? राइट एट्रिया के अंदर वीना कावा लेके आ रही है, राइट एट्रिया जो कि थंब माना था हमने, वीना कावा लेके आई, थंब इन, थंब इन, ठीक है, यहां से थंब से इन, और पिंकी फिंगर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आउट। थंब इन, राइट एट्रिया से इन हुआ ब्लड, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गया वाया वॉल, कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल। उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी थी? मिडिल फिंगर। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, रिंग फिंगर, देन पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हो गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया के अंदर आया ब्लड, लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर बाहर निकल जाएगा हार्ट से और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज द ट्रिक टू लर्न दी सर्कुलेशन। आप एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं, सपोज हार्ट को हम एक घर मान लेते हैं, एक घर है, एक घर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, दोज रूम्स आर दी चेम्बर्स, आप उन कमरों को चेम्बर मान लीजिए, और जो हर एक रूम के अंदर जो दरवाजा है उसको आप वॉल्व मान लीजिए, ठीक है, और फिर हार्ट के इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करके देखिए, ठीक है, इट विल बी मोर इजियर टू लर्न। अच्छा, लेबलिंग लर्न करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज ए टी एम एस वी, ठीक, ए से क्या? एओर्टा, ए फॉर एओर्टा, टी फॉर ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, एम फॉर मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल, एस फॉर सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल, एंड वी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है, ए फॉर एओर्टा एंड एट्रिया दोनों ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने लिया दिस ए टी एम एस वी, ठीक है, ए फॉर एओर्टा एंड एट्रिया, टी फॉर ट्राइकस्पिड वॉल जो कि ये वाला वॉल था राइट साइड में, एम फॉर मिट्रल वॉल दिस वन, एस फॉर सेमी लूनर वॉल जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर प्रेजेंट है, एंड वी फॉर वेंट्रिकल्स, ठीक है।
So I hope you all understood the topic. If you have any question, you are free to ask me.